अहम खबर आपको दें, परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी बलूचिस्तान से गिरफ्तार। कोयटा पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को ईरान जाते हुए गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी को लाने के लिए 4 रुकनी टीम भेज दी है। मुलजिम के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ का करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद खान भट्टी पर रिश्वत तरक्याती मनसूबों में कमीशन वसूली का इल्ज़ाम है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एंटी करप्शन लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही के दस्ते रास मोहम्मद खान भट्टी बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को ईरान जाते हुए गिरफ्तार किया है। परवेज इलाही के दस्ते रास मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी की अपडेट सामने आई है। लाहौर एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी को लाने के लिए 4 रुकनी टीम बना दी है। मुलजिम के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ करप्शन का मुकदमा भी दर्ज है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर बिन यार से मजीद जानेंगे। जाफर बिन यार, बताइएगा कैसे गिरफ्तारी अमल में आई, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खास आदमी थे मोहम्मद खान भट्टी, उनके हवाले से अब अहम खबर सामने आ रही है कि उनको बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया और डीजी एंटी करप्शन सेल जफर चट्टा से हमारी बात हुई और उन्होंने तस्दीक कर दिया है कि मोहम्मद खान भट्टी जो बलूचिस्तान के रस्ते वहां पे जा रहे थे उनको रस्ते से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। सेल जफर चट्टा के मुताबिक 4 रुकनी एक टीम तश्ल दी जाएगी जो मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान से पंजाब वापस लेके आएगी। आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद खान भट्टी पर इल्जाम है 80 करोड़ रुपए की करप्शन और CNW और दीगर महकमा जात में कहा जा रहा था कि इन्होंने अपनी मनपसंद। बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त